छोला खाना किसे पसंद नहीं होता, पर हमें मुश्किल लगती है जब सोचते हैं छोले बनाने को तो बहुत देर लगेगी, कुछ और बना लेते हैं, गर्मी बहुत है, टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैं लेकर आई हूँ एकदम आसान रेसिपी, एकदम जल्दी से बनने वाली, घंटों में किचन में देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ करते गैस को ऑन। यहाँ हमने हाफ के जी काबली चना छोला भिंगो के रखे हुए हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए पहले से ही इसको भिंगा के धो के अच्छे से साफ़ करके रखे। यहाँ तेल डाल रहे कुकर में, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। यहाँ एक साथ डालेंगे सूखी मिर्च, हरी मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी, तेजपत्ता, सब एक साथ इसमें डालेंगे। अब चना डालेंगे। फ्रेंड्स, सब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, घंटों किचन में देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ दो दो पीस में काटा हुआ प्याज सबको एक लाइन से अच्छे से इसमें साइड करके रखेंगे। टमाटर रखेंगे, लहसुन की कलियाँ इसे भी साथ डालेंगे, बारीक कटे हुए अदरक इससे भी साथ में डालेंगे, कुछ काजू है इसको क्रश करके थोड़ा डालेंगे, बहुत स्वादिष्ट बनती है, टेस्ट अलग आता है, ये ऑप्शनल। बटर का एक टुकड़ा डालेंगे, इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अब एक साइड, इससे स्वाद खुल के आता है, स्वाद की देवी। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च एक साथ सबको साइड में ऐड करेंगे। अब पानी डालेंगे, पानी का मात्रा कुछ ज़्यादा डालेंगे। पहली बार में इसे दो सीटी लगाएंगे और गैस फ्लेम को लो करेंगे और इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। अब इसे ढक्कन लगाएंगे। एकदम स्पाइसी छोला एकदम झटपट में तैयार। ये कितना अच्छा बन के एकदम स्पाइसी छोला एकदम मस्त लाजवाब बन के तैयार हुआ है। अब इसे दो बार चलाएंगे और चला के फिर इसका ढक्कन लगा के एक सीटी लगाएंगे और कम कर देंगे 5 मिनट के लिए, फिर इसे पकने देंगे। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार, एकदम परफेक्ट स्पाइसी मसालेदार चना छोला तैयार है। एक बार ने आप इस तरीके से बना लिया तो हमें पूरा यकीन है आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, बच्चे बड़े सबको बेहद पसंद आएगा। घर में बर्थडे पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो, तो इस छोला को जरूर बनाएं और आराम के साथ साथ सबकी तारीफें भी भर भर के लें। इतना आसान कि जब दिल करे आप इसे बना लें। अब इसे पनीर से, धनिया पत्ती या दही जिससे दिल करे आप उससे ऊपर से सजाएं और सर्व करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है लास्ट में। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खाना खाने के बाद छोले बच जाती है, तो बचे हुए छोले को क्या करें एक नए ट्रिक्स के साथ, आइए देखें आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।